आईएमसीए शिशिका अग्रवाल एंड आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लास्ट क्लासेस में हमने कुछ बेसिक पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में और हमने क्या क्या देख लिया था। हमने देख लिया था कुछ बेसिक बातें अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड हमने देख लिया था प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस से प्रॉमिसी क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, सो वी हैव सीन, फटफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था सेक्शन 2 क्लॉज बी में डिफाइंड है प्रॉमिस एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस क्या होता है, एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है, एक ऑफर को जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। सो अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस, राइट। उसके बाद हमने देखा था 2 क्लॉज सी में डिफाइंड है प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। प्रोमिसर क्या होता है, वो बंदा जो प्रपोजल देता है, जो ऑफर देता है। प्रोमिसी कौन होता है, वो बंदा जिसको प्रपोजल मिलता है, राइट। वेरी गुड, लाइट आ गई, दैट्स रियली नाइस, जस्ट अ सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज ई में, और सेक्शन 2 क्लॉज ई ये बोलता है कि एक प्रॉमिस, ऐसा प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन भी जुड़ा होता है, वो होता है एग्रीमेंट। आई होप आप लोग सभी रिवाइज करके आए हैं। मैं किसी को भी पॉइंट आउट करके क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, फेस टू फेस क्लास में जैसे पूछते हैं ना वैसे। ये मत सोचना कि ऑनलाइन क्लास है तो आप लोग बच जाओगे, रिविजन करके नहीं आओगे थे, क्योंकि लॉ में रिविजन मस्ट है। लॉजिकल रीजनिंग टाइप नहीं है कि रिविजन नहीं किया तो चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है, एक ऐसा अग्रीमेंट एनफोर्सेबल है कि नहीं ये कैसे डिटरमाइन होगा, इसके लिए बहुत सारे कंडीशन है। मेन है कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि ऐसे कैसे पता लगाएंगे कि कोई अग्रीमेंट एनफोर्सेबल है कि नहीं, तो एक अग्रीमेंट एनफोर्सेबल तब होता है जब उसमें ये सारी कंडीशन, सेक्शन 10 की सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं। तो सेक्शन 10 में कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ऐसे कंडीशंस दिए हुए हैं जो एक एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बनाते हैं। यानी अगर एक एग्रीमेंट में ये सारी चीजें मौजूद हैं तो वो माना जाएगा कि वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है, और ये माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। और इसमें से हमने यहां तक 6 पॉइंट तक लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, आज की क्लास में कुछ बचे हुए पॉइंट्स कवर करेंगे। ठीक है, ओके। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट था ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हमें पता है मैम, ऑफर नहीं होगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, और अगर एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। मतलब कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए और कंसेंसस एड आइटम होना चाहिए। कंसेंसस एड आइटम इज अ लैटिन टर्म। कंसेंसस एड आइटम मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स। हम लोग दोनों के बीच में, प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए, सारी बात क्लियर, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में। उसके बाद हमने देखा था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे कि सोशल अग्रीमेंट्स और डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स में कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होता है, इसलिए वो एनफोर्सेबल नहीं होता है। एग्जांपल हमने एक केस लॉ के साथ समझा था, कौन सा केस लॉ, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, मिस्टर बैल्फोर वर्सेस मिसेस बैल्फोर वाला। उसके बाद हमने देखा था कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए। मतलब अगर आप गांजा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि वो जो कंसीडरेशन है, आप क्या बेच रहे हो, गांजा बेच रहे हो, वो इल्लीगल है, अलाउड नहीं है। सो इट इज, इट शुड बी लॉफुल द कंसिडरेशन। दोनों पार्टी को जो मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट में वो लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब अगर आप किसी को मारने की सुपारी दे रहे हो, अगर आप कोई गुंडे हायर कर रहे हो किसी को मर्डर करने के लिए, तो वो भी अनलॉफुल होगा। मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट करने का पर्पस ही इल्लीगल है, तो योर अग्रीमेंट विल बी इनवैलिड, इट विल बी नल, इट विल बी वॉइड, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि आपने किसी गुंडे को हायर किया मारने के लिए, तो ये कोई वैलिड अग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो इलीगल है, लॉफुल नहीं है। उसके बाद हमने देखा था पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। मतलब जो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन दोनों के बीच में समझ होनी चाहिए, उतनी बुद्धि होनी चाहिए कि वो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ पाए। और हम ये मानते हैं कि एक जो 18 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके में इतनी समझ नहीं होती है कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझे, इसीलिए कोई माइनर, माइनर यानी कोई 18 साल से छोटा बच्चा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। तो अगर किसी निब्बे ने निब्बी को बोला कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो वो उन दोनों के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग 18 साल से छोटे बच्चे हैं, चिंदी पिंदी लोग हैं। ठीक है, तो ये हो गया। माइनर नहीं होना चाहिए, मतलब माइनर कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, दे आर नॉट केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। दूसरा हमने कुछ और एग्जांपल देखा था, ऐसा बंदा जो पागल है। मशहूर गुलाटी का एग्जांपल लिया था हमने कि मशहूर गुलाटी को पागल कुत्ते ने काट लिया, तो डॉक्टर मशहूर गुलाटी भी पागल हो गए। अब पागल हो गए तो पागल लोगों की में क्या इतनी समझ होती है कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ पाए, कॉन्ट्रैक्ट को समझ पाए? वो लोग तो कुछ भी करो हाँ बोल देंगे।
ठीक है। तो इसलिए एक पागल इंसान यानी कि लुनाटिक इंसान जिसको हम बोलते हैं अनसाउंड माइंड, उसका माइंड साउंड नहीं है, वो इनसेन है, पागल है, ठीक है। तो ऐसे लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन नहीं कर सकते। तीसरा मैंने एग्जांपल दिया था सल्लू भाई का कि सल्लू भाई फुटपाथ में रात को गाड़ी चला रहे थे नशे में, तो उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तो उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। तो ऐसे लोग जो जेल के अंदर होते हैं जिनको लॉ डिस्क्वालीफाई कर देता है, जो कन्विक्टेड होते हैं, कन्विक्टेड यानी जो जेल की चार दीवारी के पीछे बंद होते हैं, वो लोग को लॉ डिस्क्वालीफाई कर देता है और बोलता है कि आप लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। तो कुछ लोग हैं जो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, जैसे माइनर, 18 साल से छोटे बच्चे, जैसे पागल लोग, इनसेन, अनसाउंड माइंड, जैसे पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने एग्जांपल देखा था फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको ममता दीदी और मोदी जी का एग्जांपल दिया था कि मोदी ने क्या किया, ममता के सर पे कनपट्टे पे AK-47 रख के उससे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लिया। तो यहाँ उसका जो कंसेंट है वो डर भय के मारे उसने हाँ बोल दिया, उसने अपनी मर्जी से हाँ नहीं बोला, उसने तो गोली मरने के डर से हाँ बोल दिया। तो यहाँ उसका जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, वो जोर जबरदस्ती से लिया गया है। तो ऐसी केस में अगर फ्री कंसेंट नहीं होता है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फ्री कंसेंट होना जरूरी है। यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो हमने 10 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर लिया फटफट। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ कंडीशंस, चार कंडीशंस बचे हुए हैं आज के पढ़ने, जिसमें से सातों कंडीशन टर्म्स शुड बी सर्टेन, टर्म्स एंड कंडीशंस शुड बी सर्टेन। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं फाल्गुनी को अपना फोन बेच रही हूं और मैंने बोला फाल्गुनी को कि फाल्गुनी क्या तुम मेरा फोन कुछ पैसों में खरीदोगी, तो फाल्गुनी बोलेगी मैम कैसी बात कर रहे हो, कुछ पैसे क्या होते हैं बताओ ना, कितने में बेचोगे, 10,000 में बेचोगे कि 11,000 में बेचोगे कि 15,000 में बेचोगे। मतलब यहाँ क्लैरिटी नहीं है, क्या क्लैरिटी है, मैंने ऑफर दिया वो क्लियर ही नहीं था, मैंने बोला क्या तुम कुछ पैसों में खरीदोगी, कुछ पैसे क्या होते हैं मैम, वो तो कितना भी हो सकता है, एग्जैक्ट अमाउंट बताओ ना कितने में बेचोगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में तो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पूरी क्लियर होनी चाहिए, फुल एंड फाइनल होनी चाहिए, सब कुछ वेगनेस नहीं होनी चाहिए उसमें। समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। 8 point, पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए, मतलब इम्पॉसिबल काम नहीं होना चाहिए, पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। मतलब मैडम फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे, इसका नाम भी बताओ, सिद्धू जी, ये है हमारे सिद्धू जी, कौन, कपिल शर्मा शो वाले सिद्धू जी, और ये है हमारी, कौन है, ये है हमारी अर्चना देवी, वो कपिल शर्मा शो वाले, ठीक है। तो मान के चलो सिद्धू जी ने अर्चना जी को बोला कि अर्चना जी क्या आप उनसे शादी करेंगी, और उनको बोला कि अर्चना ने बोला कि क्या करके दिखाओगे तुम, मेरे क्या कर सकते, मैं तुमसे क्यों शादी करूं। तो सिद्धू जी ने बोला कि मैं तुम्हारे ना चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, सिद्धू जी ने बोला मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, बदले में तुम मेरे से शादी कर लो। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या दोनों के? नो, नहीं है, क्लियर कट नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। क्या ऐसा हकीकत हो सकता है क्या कि चांद तारे तोड़ के ला सकते हैं? द आंसर इज नो, दिस इज इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल गेम ऑफ थ्रोन्स अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो अगर मान के चलो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम जॉन स्नो को आपसे जिंदा करके ला लेंगे, मरे हुए जॉन स्नो को जिंदा कर देंगे, एक आदमी है जॉन स्नो मर गया है और कोई बोल रहा है कि हम मरे हुए जॉन स्नो को जिंदा करके दिखा देंगे, बदले में आप हमें 2 करोड़ दोगे, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नो, क्यों? क्योंकि क्या आप मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हो? क्या मूवीज की बात अलग है, हकीकत की बात बताओ, क्या आप मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हो? आंसर इज नो। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है करना, तो ऐसा काम जो पॉसिबल ही नहीं है करना उसको आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो कहने की बात ये ही वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वो चीज परफॉर्म करनी पॉसिबल होनी चाहिए, इम्पॉसिबल काम को
करने के लिए बोलना इज इनवैलिड, इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल रिक्वायरमेंट। कहीं कहीं लॉ में होता है, जैसे आपका लॉ है वहां बोलता है कि अगर आपको प्रॉपर्टी लेन देन का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उस पे प्रॉपर साइन होना चाहिए, स्टैंप ड्यूटी पे होना चाहिए। तो कहीं कहीं लॉ में कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग होना जरूरी है, साइन होना जरूरी है, लीगल रिक्वायरमेंट है, फॉर्मेलिटी करना जरूरी है। अगर ये फॉर्मेलिटी करोगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, तो फिर उस केस में वो फॉर्मेलिटी निभाना जरूरी होगा। जैसे अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, कानून में आपका वहां लिखा हुआ है कि जब भी आप प्रॉपर्टी को बेचते हो तो वो रिटर्न में होना चाहिए, साइन होना चाहिए, स्टैंप ड्यूटी पे होना चाहिए उसमें, तो आपको वो लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लाई करनी पड़ेगी, वो लीगल फॉर्मेलिटी निभानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेक दैट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। और अगर साइन नहीं हुआ तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि लॉ बोलता है कि नहीं, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए रिटर्न में। तो अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी है तो वो आपको पूरी करनी पड़ती है उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। लास्ट पॉइंट है हमारा जो हम पढ़ने वाले सेक्शन 10 का। सेक्शन 10 का लास्ट पॉइंट है कि अग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड का क्या मतलब है? सबसे पहले तो आपको वॉइड का मतलब जानना है। मैडम वॉइड का क्या मतलब होता है? वॉइड का मतलब होता है नल। और नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब होता है जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। वॉइड मतलब वैलिड का उल्टा। वैलिड मतलब एकदम सही कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्सेबल। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैलिड का उल्टा, मतलब उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होगा, कोई लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई अस्तित्व ही नहीं, वॉइड विल बी वॉइड, मतलब उसको कोई मानेगा ही नहीं। समझ में आ गया वॉइड मतलब? तो लॉ क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ तरह के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर देता है, मतलब आप इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकते। जैसे बेटिंग अग्रीमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट, जिसको हम सट्टा बोलते हैं, कई लोग सट्टा करते हैं ना, सट्टा खेलते हैं ना, जैसे जन्नत मूवी में वो इमरान खान सट्टा करता था ना मैच के ऊपर, वो इलीगल काम था, वो अलाउ नहीं था। तो लॉ बोलता है कि वेजरिंग अग्रीमेंट, जो बैटिंग वाले अग्रीमेंट्स होते हैं, इंडिया जीती तो मैं तेरे को पैसे दूंगा, इंडिया हार गई तो तुम मेरे को देना, ये जो बैटिंग वाले अग्रीमेंट्स होते हैं, वेजरिंग अग्रीमेंट्स होते हैं, ये वॉइड है। मतलब वॉइड है मतलब लॉ बोलता है कि ये गलत है, इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई एंटर कर ही नहीं सकता, और अगर किसी ने किया तो वो वैलिड नहीं होगा। लॉ एक्सप्रेसली कुछ तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड डिक्लेयर कर देता है। तो वो जो वॉइड है मतलब वो तो गलत कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वो तो किसी भी हाल में सही नहीं हो सकते। तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होने चाहिए, तभी वो वैलिड होंगे। इस पॉइंट को, इन सारे पॉइंट्स को अब हम एक एक करके डिटेल में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग समझ में आ गए सेक्शन 10 के कंडीशंस। सेक्शन 10 बोलता है कि एक आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होने चाहिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए मौजूद होने चाहिए। चलिए एक बार इसको बुक से रीड ले लेते हैं। बुक में देखो कहाँ लिखा है। बुक में हमने रीड ले लिया था, कहाँ तक? यहाँ तक रीड ले लिया था। उसके बाद आ जाओ बुक में पेज नंबर 39 में आ जाओ। यहाँ पर लिखा हुआ है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसी बात को लिखा हुआ है जो हमने इजी तरह से पढ़ लिया। एक बार रीड लेते हैं यहाँ क्या लिखा है कि सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड दैट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट बाय पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन विथ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड दे आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। मतलब बोल रहा है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए, भैया जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, समझदार लोग होने चाहिए, माइनर लुनेटिक जैसे लोग नहीं होने चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, गांडा बेचने का बिजनेस नहीं कर सकते आप, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, किसी को मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड होना चाहिए। उसी पॉइंट को पॉइंटर्स में लिखा हुआ है क्या? सबसे पहले मैम ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए बिटवीन टू पार्टीज रिजल्टिंग इन अग्रीमेंट, मतलब कंसेंसस एड आइटम होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड्स, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा मैम इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, ये भी हमने समझ लिया। उसके बाद बोल रहा है मैम लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि पार्टीज जो हैं वो केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होने चाहिए, और कौन कौन केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं होते हैं? माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है। आई होप आप लोग समझ आए, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। आगे बढ़ते हैं।
कंसेंट होनी चाहिए, जेन्युइन कंसेंट। अच्छा, जेन्युइन को अंडरलाइन करके ऊपर लिख लो। जेन्युइन का मतलब होता है मैडम, जेन्युइन का मतलब होता है फ्री। जेन्युइन कंसेंट मतलब फ्री कंसेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इज लीगल एंड नॉट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है और जो आपका कंसिडरेशन है वो लीगल होना चाहिए, मतलब लॉफुल होना चाहिए। हम पढ़ चुके हैं अभी एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सर्टेन होनी चाहिए। मतलब अगर मैं बोल रही हूं अपना फोन कुछ पैसों में बेचूंगी तो कोई वैलिड टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। नेक्स्ट, अग्रीमेंट इज केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि ये केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड नहीं है। तो मेरी प्यारी बच्चियों, अगर आपको कोई लड़का बोले कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा तो उसके कान के नीचे घुमा के देना और उसको बोलना कि हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं। तुमको पता है चांद तारे तोड़ के लाना इज एन इम्पॉसिबल एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अजीत पूछ रहा है डोनेशन जब करते हैं एडमिशन के लिए तो वैलिड होता है कि वर्ड। देखो अजीत, जब आप डोनेशन करते हो ना तो रिटर्न में आपको कुछ मिलता नहीं है। मतलब बेसिकली तो जो डोनेशन है एक प्रकार से गिफ्टिंग वाले पर्पस में आ जाता है, तो उसके लिए डोनेशन गिफ्टिंग के लिए क्या होते हैं वो अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे इस चैप्टर के पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सेप्टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर लाइन से सारे एक एक पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑफर और प्रपोजल के बारे में। कैसा होना चाहिए एक ऑफर, कैसा होना चाहिए एक सही ऑफर, कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैम ऑफर डिफाइंड कहां है। ऑफर डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज ए में। ये सेक्शन याद करना पड़ेगा। जी हां, याद करना पड़ेगा। 2 क्लॉज ए में क्या है, ऑफर डिफाइंड है। अपन डेली रिवाइज करेंगे तो सारे सेक्शन आपको याद हो जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अमीशा बोल रही है ब्लर हो रहा है, इट्स नॉट क्लियर। एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑफर के बारे में। और मैंने आपको बताया है ऑफर कहाँ डिफाइंड है, ऑफर डिफाइंड है 2 क्लॉज ए में, जो ये बोलता है कि ऑफर क्या होता है। जब कोई बंदा व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने के लिए बोलता है या कुछ ना करने के लिए बोलता है, विद अ व्यू टू असेंट, विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ द अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटेंस। जब कुछ करने के लिए बोलते हैं तो उसको बोलते हैं एक्ट, और जब कुछ ना करने के लिए बोलते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सटेंस। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जब हम किसी बंदे को ऑफर देते हैं तो हम इस इंटेंशन के साथ देते हैं कि हमें सामने वाले का एसेंट चाहिए। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये कौन है, ये हमारे हैं प्रिय प्रधानमंत्री जी, जिनका बर्थडे गया अभी। ठीक है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, और ये कौन है हमारी कलकत्ता की बंगाल की दीदी ममता दीदी। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ यहाँ पर मोदी जी ने हमारी ममता दीदी को क्या बोला। मोदी जी ने हमारी ममता जी को बोला कि मुझे ना आपसे शादी करनी है। इन्होंने बोला कि आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो क्या ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? ऑफर हुआ जब मोदी जी ने ममता जी को बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। क्या यहां मोदी जी ऑफर दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मोदी जी ऑफर नहीं दे रहे। मोदी जी तो सिर्फ इतना बोले कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मोदी जी ने ममता जी से थोड़ी पूछा, मोदी ने ममता से थोड़ी पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगी क्या। उनको तो कुछ पूछा ही नहीं, मतलब बस अपना बता दिया कि मेरी विलिंगनेस है, मैं चाहता हूँ आपसे शादी करना। ये कोई वैलिड ऑफर नहीं है। वैलिड ऑफर कब होगा? वैलिड ऑफर तब होगा जब अगर मोदी जी मोदी ममता से ऐसा बोले कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी।
अब यहाँ वो पूछ रहे हैं ममता से, ममता जी से पूछ रहे हैं, हमारी दीदी से क्या पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो यहाँ वो सामने वाले की अप्रूवल चाह रहे हैं. सो दिस इज अ वैलिड ऑफर. मतलब जब आप सिर्फ मेयर अपनी विलिंगनेस बताते हो सामने वाले की हाँ या ना नहीं चाहिए आपको, तो वो वैलिड ऑफर नहीं है. वैलिड ऑफर होने के लिए आप सामने वाले से पूछ रहे हो इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाला हाँ बोले, वो होता है वैलिड ऑफर. तो अब ये डेफिनेशन आपको क्लियरली समझ में आएगी. ऑफर की डेफिनेशन जो ये बोलती है कि ऑफर में आप अपनी विलिंगनेस तो बताते हैं कि हाँ मैं ये चाहता हूँ, लेकिन इस व्यू के साथ कि हमें सामने वाले की भी कंसेंट चाहिए, हम उससे पूछते हैं. समझ में आई सबको? ठीक है, समझ में आई? हाँ यस, समझ में आ गई. तो ये हो गई हमारी ऑफर. अब हम कुछ पढ़ने वाले हैं रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर. कुछ रूल्स हैं, रूल्स दिए गए हैं एक ऑफर को वैलिड करने के लिए, एक वैलिड ऑफर बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं. ये रूल्स फॉलो होने चाहिए, ये कंडीशन दिए गए हैं, ये सारे कंडीशन मौजूद होने चाहिए. अब क्या कंडीशन दिए मैम रूल्स को लेकर के एक एक करके पढ़ते हैं. पहली कंडीशन है कि ऑफर कैन बी Express or implied का क्या मतलब है मैडम? Express का मतलब होता है जब आप बोल करके या लिख करके words के द्वारा express करते हो. जैसे मैंने यहाँ पर बताया है express contract का मतलब जब offer और acceptance express होता है. Express मतलब हम express कर रहे हैं, हम बता रहे हैं words के द्वारा, बोल करके या तो लिख करके. We are using words. Either spoken, orally या फिर written. तो उसको बोलते हैं express contract. में clearly आपको offer दे रही हूँ. मैं फालतू को clearly offer दे रही हूँ कि आप मेरा phone खरीदोगी. ठीक है, so that is express offer. But एक offer implied भी हो सकता है. Implied मतलब कोई कुछ बोलता ही नहीं है, ना ही कोई कुछ लिखित में देता है. बस हम उसके act से समझ जाते हैं. जैसे मैडम अगर आप ATM की बात करें, तो जब आप ATM से, आप सभी ATM में से पैसे विड्रॉ किए होंगे, तो जब आप ATM जाते हैं पैसा विड्रॉ करने के लिए, तो आप क्या अपना डेबिट कार्ड लेके जाते हैं, डेबिट कार्ड को स्वाइप करते हैं, पिन कोड डालते हैं और आपके पैसे आपके हाथ में आ जाते हैं. तो यहाँ मैडम आपके और ATM के साथ ना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपके और बैंक के साथ. फॉर एग्जाम्पल आपका SBI बैंक है, SBI का कार्ड है, तो आपने SBI के बैंक ATM में गए और उसका डेबिट कार्ड स्वाइप करके पैसे निकाले, तो यहाँ आपका SBI के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ. लेकिन क्या आपने बोला क्या SBI को मेरे को पैसे निकालने हैं? नहीं, आपने तो बस गए ऐसे कार्ड स्वाइप किया और आपके एक्शन से ही यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया. मतलब आप वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी हरकतों से पता चल रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. इसे हम बोलते हैं जेस्चर यूज करना, वेरी गुड सिद्धि. और इसे हम बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जब ऑफर और एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड होता है. यहाँ हमने जब कार्ड स्वाइप किया, मतलब हम ऑफर दे रहे हैं बिना बोले ही, बैंक समझ जाएगा कि हम उसको ऑफर दे रहे हैं कि मुझे पैसे विड्रॉ करने हैं, और बैंक भी अपना एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड जेस्चर के थ्रू दे देगा. कैसे? उसके ATM से पैसा निकल जाएगा अपने आप. तो यहाँ हम बोल नहीं रहे हैं, वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हैं, लिख के या स्पोकन बोल नहीं रहे हैं, बट हमारे एक्शन से समझ आ रहा है कि हम इम्प्लाइड ऑफर दे रहे हैं और बैंक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे रही है. अनदर एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड ऑफर एंड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंसेस, मान के चलो एक बस एक रूट से डेली जाती है और वो बस स्टॉपेज में आके खड़े होती है, जिसको जिसको जाना रहता है वो अपने आप बस में चढ़ जाता है. तो अगर किसी बस में कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर लोग तो बोलते रहते हैं ना आ जाओ यहाँ जाना है क्या, बोली बोली नहीं. तो यहाँ बस क्या होता है, बस में बस आ गई अपने स्टॉप में खड़े हो गई, मतलब बस इम्प्लाइड ऑफर दे रही है कि जिसको जिसको वो बस अगर बोरीवली जाती है तो जिसको जिसको बोरीवली जाना है बैठ जाओ. बस बोल नहीं रही है कि चढ़ो चढ़ो चढ़ो, मान के चलो कंडक्टर नहीं है, जिसको बस इम्प्लाइड ऑफर दे रही है, बस वहां आके रुक गई, तो आप समझ जाएंगे कि बस ऑफर दे रही है. और आप जैसे ही बस में चढ़ गए मैडम, आप जैसे ही ये औरत बस में चढ़ रही है, तो ये औरत जैसे ही बस में चढ़ गई, इन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ बोला नहीं, लेकिन इनके एक्शन से समझ में आ गया कि इनको वो ऑफर एक्सेप्ट है. तो जब हम बोलते नहीं है या लिखते नहीं है, लेकिन हमारे एक्शन से, हम जो करते हैं हमारे एक्ट से, सामने वाली पार्टी को समझ आता है कि हाँ ऑफर हो गया, इम्प्लाइड हो गया हमारे एक्शन से, तो उसको बोलते हैं इम्प्लाइड ऑफर एंड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर कि इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है. ठीक है, यहाँ बस हम कुछ
भी एक्सप्रेसली नहीं बोलते हैं, हमारे एक्ट से समझ में आ जाता है। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? यस, एवरीबॉडी इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ऑफर जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। अगर बस आके रुक गई, मतलब उसने इंप्लाइड ऑफर दे दिया, और अगर आप चढ़ गए बस में, मतलब आपने इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे बस, बस का कंडक्टर जब पैसा मांगेगा, 10 रुपए मांगेगा, तो आप ये नहीं बोल सकते अरे 10 रुपए किस बात का, हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, ना आपने ऑफर दिया ना मैंने एक्सेप्ट किया, मैं आपको 10 रुपए नहीं दूंगा। वो ना एक कान के नीचे आपको मारेगा और बोलेगा मैंने भी पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक इम्प्लाइड ऑफर नाम की चीज होती है। तुम बस में चढ़ गए, मतलब इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गया, मैं बाहर आके रुक गया स्टॉप में, मतलब इम्प्लाइड ऑफर हो गया, तो यहाँ हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो आप समझ गए हैं कि ऑफर एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब जब आप बोलते हैं वर्ड्स के द्वारा, या तो बोलते हैं या तो लिखते हैं, और इम्प्लाइड मतलब जब आपके एक्शन से समझ जाते हैं सामने वाला। और ये कहाँ दिया हुआ है मैम? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर के बारे में दिया हुआ है सेक्शन नंबर 9 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और जनरल। What do you mean by specific offer and what do you mean by general offer? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मेरे एग्जाम्पल में मैंने फाल्गुनी को ऑफर दिया था कि फाल्गुनी क्या तुम मेरा फोन 10,000 में खरीदोगी, तो यहाँ मैंने एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दिया, मैंने सिर्फ फाल्गुनी को ऑफर दिया, मैंने एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दिया, तो दिस इज नोन एज स्पेसिफिक ऑफर। अब मान के चलो मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, पेट डॉग है, ठीक है, मेरे पास नहीं, कुश के पास है, ठीक है, कुश के पास एक पेट डॉग है, और मान के चलो वो घूम गया, तो कुश ने क्या किया, कुश ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी मेरे डॉग को ढूंढ करके लाएगा, जो उस डॉग का नाम क्या है, एपी, जो भी मेरे एपी को ढूंढ करके लाएगा उसको मैं 1,000 रुपए का इनाम दूंगा। तो यहाँ कुछ ने एक ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया, कि जो भी मेरे डॉग को ढूंढ करके लाएगा, जो भी मेरे एपी को ढूंढ करके लाएगा, मैं उसको 1,000 रुपए का इनाम दूंगा। तो यहाँ कुछ ने किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर नहीं दिया, उसने पूरी जनता जनार्दन को ऑफर दिया कि जो भी ढूंढ के लाएगा मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और उसने मेरा डॉग ढूंढ के लाया तो मैं उसको 1,000 रुपए दे दूंगा। This is known as general offer. General offer मतलब हम किसी एक specific person को offer नहीं देते हैं, हम general public को offer देते हैं कि जो चाहे वो accept कर सकता है। समझ में आया सबको? What do you mean by general offer and special offer? Specific offer मतलब आप किसी specific person को offer देते हो, और जब हम स्पेसिफिक ऑफर देते हैं, मैंने फाल्गुनी को ऑफर दिया, तो वो ऑफर सिर्फ फाल्गुनी ही एक्सेप्ट कर सकती है, कोई और नहीं। और अगर मैंने जनरली ऑफर दे दिया कि जो भी मेरा डॉग ढूंढ करके लाएगा उसको मैं 1,000 रुपए का इनाम दूंगी, तो ये ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, एनीबॉडी। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। तो इससे हमने दो पॉइंट पढ़ लिया कि एक ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है, और हमने दूसरा पॉइंट भी पढ़ लिया कि एक ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, ये बात हमें थर्ड पॉइंट बहुत अच्छे से पता है कि एक ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब टू डू समथिंग, और नेगेटिव मतलब टू नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने से रोकना। वो आरवी वाला एग्जांपल, वो अपने पति को पीने से रोकती है, कुछ करने से मना करती है। तो जब हम कुछ करने के लिए बोलते हैं वो भी हो सकता है ऑफर, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ऑफर, और हम सामने वाले को कुछ करने से रोक भी सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफर, यानी टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। एब्सटेन करना मतलब रोकना, रोक लगाना, तुम ये काम मत करो, बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, या बदले में मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये इसका मतलब है एक ऑफर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये तीनों पॉइंट आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। मतलब अगर मैंने ऑफर दिया, जैसे अपने स्टार्टिंग वाले एग्जांपल में हमारे मोदी जी किसको, ममता जी को ऑफर दे रहे थे, क्या तुम उससे शादी करोगी? मान के चलो उन्होंने अपने सपने में ऑफर दे दिया ममता जी को कि क्या तुम उससे शादी करोगे, और उनके सपने में ममता जी ने हाँ बोल दिया, तो क्या यहाँ कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या मोदी जी और ममता जी के बीच में? क्यों, उन्होंने तो अपने सपने में बोला सर आपका ऑफर ना
ममता जी तक पहुंचा भी नहीं है। ठीक है, सो जो ऑफर है वो ऑफरी को पता होना चाहिए। अगर मेरा ऑफर, अगर मैं फाल्गुनी को ऑफर दे रही हूँ फोन बेचने के लिए और फाल्गुनी को पता ही है कि मैम ने मुझे ऑफर दिया है, तो ये कोई वैलिड ऑफर है ही नहीं। मैं जिस बंदे को या जिस बंदी को ऑफर दे रही हूँ उसको वो बात पता होनी चाहिए कि मैं उसको ऑफर दे रही हूँ। मतलब इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी और ऑफरी को उसका नॉलेज होना चाहिए ऑफर का, यानी फाल्गुनी को मेरे ऑफर के बारे में पता होना चाहिए। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक इंटरेस्टिंग केस लॉ है इसका। कौन सा? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसका एक केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। और मैं आपको बता दूं इस केस में क्या हुआ था। मैम मैं आपको बताती हूँ इस केस में क्या हुआ था। ये एक लेडीज थी जिनका नाम था गौरी दत्त। और इनका एक पालतू कुत्ता था, डॉग था इनके पास एक। ठीक है, डायग्राम बहुत ज्यादा ही अच्छा बन गया। ठीक है, गुस्ताखी माफ। तो यहाँ बस क्या है, ये एक लेडीज थी गौरी दत्त और इनका डॉग घूम गया था। तो इन्होंने क्या किया, इनका एक स्टाफ था। कौन? स्टाफ, नौकर। उसका नाम था शुक्ला, शुक्ला जी, हमारे लालमन शुक्ला जी। नहीं, डॉग नहीं घुमाता है, सॉरी, इनका नेफ्यू घुमाता। ठीक है, इनका ये छोटा सा नीला कलर का नेफ्यू है। ये एक लेडीज थी गौरी दत्त, इनका नेफ्यू ना घूम हो गया था। हो सकता है एक्सेल वर्ल्ड वगैरह घूमने गई होंगी बॉम्बे और मैजिका वगैरह गई होंगी, वहां इनका नेफ्यू घूम गया। तो इनका एक नौकर था लालमन शुक्ला जी। शुक्ला जी को इन्होंने बोला, शुक्ला जी अरे यार मेरा नेफ्यू मिल नहीं रहा, जाइए तो ढूंढ के लाइए। और शुक्ला जी निकल गए खोज में। नेफ्यू जी कहाँ है आप? तो शुक्ला जी निकल गए खोज में। और जब शुक्ला जी निकल गए खोज में तो गौरी जी ने क्या किया, गौरी जी ने गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ करके लाएगा उसको मैं 500 रुपए का इनाम दूंगी। और लेकिन ना शुक्ला जी को इस बारे में कानों कान खबर नहीं थी। शुक्ला जी को इस बारे में कानों कान खबर नहीं थी कि गौरी दत्त ने ये ऑफर निकाल दिया। और शुक्ला जी तो ढूंढते ढूंढते पहुंच गए कहीं जंगलों में और जंगलों में मिल गया नेफ्यू बेचारा, उसको पकड़ के ले आए गौरी के पास। अब गौरी ने बोला ठीक है, धन्यवाद आपका। अब शुक्ला जी को बाद में पता चला कि अरे गौरी ने तो ऑफर दिया था कि जो भी इसका बच्चा ढूंढ के लाएगा, जो भी इसका नेफ्यू ढूंढ के लाएगा उसको ये 500 रुपए का इनाम देगी। तो अब ये वापस गए गौरी के पास कि गौरी जी, मैडम जी, मैडम आपने तो 500 रुपए का इनाम निकाला था ना, मैं तो आपके बच्चे को आपके नेफ्यू को ढूंढ के लाया, मेरे को इनाम दो। तो गौरी ने बोला, इधर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा है क्या तुमने? ऑफर वैलिड ही नहीं था, ये ऑफर वैलिड ही नहीं था। क्यों ऑफर वैलिड नहीं था? क्यों? क्योंकि यहाँ कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में हुआ नहीं। क्योंकि जब लालमन शुक्ला उस बच्चे को ढूंढ करके लाए तब उनको ऑफर की नॉलेज ही नहीं थी, तब तक उनको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था, इसीलिए यहाँ कोई दोनों के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। और इस कहानी से हम ये समझ गए कि जो ऑफर है वो सामने वाले को पता होना चाहिए, तभी दोनों के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। कुछ इसे नेफ्यू को किडनैप करो, किडनैपिंग अलाउड नहीं है ना, क्राइम है। ठीक है, कुछ आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये पॉइंट आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। एंड ये तो शुरुआत है, अभी बहुत मजा आएगा। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है ना, आप लोगों को ना हंसते रहने वाले हो आप लोग। ठीक है, तो बड़ा मजा आएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने में। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और इसमें केस लॉज भी है थोड़े बहुत, तो आप एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, और अपन हैंड रिटन नोट से पढ़ेंगे जिसको मैंने बहुत टाइम लगा करके आप लोग के लिए बनाया है। आई होप कि आप लोग के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ पढ़ा कि ऑफर कैसा होना चाहिए। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और ऑफर क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी को। अगर ऑफरी को ऑफर का नॉलेज नहीं है तो वो वैलिड ऑफर नहीं होगा और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑफर शुड बी मैडम क्लियर, डेफिनाइट, कंप्लीट एंड फाइनल। इसका क्या मतलब है मैडम? क्लियर होना चाहिए, मतलब सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर मैं फाल्गुनी को बोल रही हूँ, फाल्गुनी क्या तुम कुछ पैसों में
मेरा फोन खरीदोगी तो ये ऑफर वैलिड नहीं होगा, कुछ पैसे क्या होते हैं मैम क्लियरली बताओ कितने में बेचोगे, क्लियर होना चाहिए, डेफिनाइट होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए हम किस चीज को लेकर ऑफर कर रहे हैं, मेरा फोन है पता होना चाहिए, जैसे मैम की चलो मेरी ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप है और कोई आया खरीदने के लिए, कौन आया मान के चलो अमृता आई मेरी ग्रोसरी शॉप में और बोली कि दीदी तेल देना, मैंने बोला मैडम बताओ ना कौन सा तेल चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, नारियल का तेल चाहिए, ऑलिव ऑयल चाहिए, कौन सा तेल चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है तेल चाहिए, और बताओ मैडम कितना तेल चाहिए, आधा किलो, एक लीटर चाहिए, आधा लीटर चाहिए, तो डेफिनेट होना चाहिए ऑफर, अगर हम ऐसे वेगली बोलेंगे कि मैडम तेल दे दो तो ये कोई वैलिड ऑफर हुआ ही नहीं, ये बताओ कौन सा तेल चाहिए, कितना तेल चाहिए, ठीक है, आगे कंप्लीट होना चाहिए और फाइनल होना चाहिए, कंप्लीट एंड फाइनल का ये मतलब है कि मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ कि मेरे को बेचना है कि नहीं, मैंने फाल्गुनी को बोला कि हो सकता है मैं अपना फोन बेच दूं, बट आई एम नॉट श्योर, मतलब फाइनल नहीं है मैं अपना फोन बेचूंगी कि नहीं, तो ये कोई वैलिड ऑफर नहीं हुआ, ऑफर होता है जो फाइनल होता है कि हाँ मेरे को अपना फोन बेचने का है तुमको खरीदने का है क्या, ये वैलिड ऑफर हुआ, अगर मैं बोल रही हूँ शायद मैं अपना फोन बेच सकती हूँ तो ये तो कोई फाइनल ऑफर हुआ नहीं, तो ऑफर क्या होना चाहिए, ये बहुत ही इजी पॉइंट है कि एक वैलिड ऑफर होने के लिए वो क्लियर होना चाहिए, डिफिनाइट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और फाइनल होना चाहिए, वो एवरीबॉडी क्रिस्टल क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर में भी कंडीशनल मतलब हम कुछ कंडीशन रख सकते हैं, जैसे मान के चलो मेरी एक बिल्डिंग खाली पड़ी है मेरे को उसको उसको रेंट पे देने का है, लेकिन मैंने एक कंडीशन रखी कि मैं सिर्फ ऐसे लोगों को रेंट पे दूंगी जो फैमिली आएंगी ना उन्हीं को दूंगी, बैचलर को नहीं दूंगी, क्योंकि बैचलर लोग बिल्डिंग में बहुत तमाशा करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, बैचलर लोगों को नहीं देने का है मेरे को फ्लैट अपना रेंट पे, मेरे को तो सिर्फ जो फैमिली आएंगी ना फैमिली को देने का है, तो मैंने कंडीशन रखी कि हाँ मैं तुमको रेंट पे दूंगी, मैं अपना फ्लैट रेंट पे दूंगी, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे लोगों को दूंगी जो बैचलर नहीं होंगे, जो फैमिली आएंगे सिर्फ उनको दूंगी, तो यहाँ मैंने ऑफर दिया कि जिसको मेरा रेंट पे लेने का है वो लो, मैंने जनरल ऑफर दिया लेकिन मैंने कंडीशन रख दी कि मैं बैचलर को नहीं दूंगी, मैं ये ऑफर सिर्फ ना फैमिलीज को दे रही हूँ, तो ऑफर में हम कंडीशन रख सकते हैं हमारी मर्जी, जैसे मान के चलो स्वयंवर हो रहा है, किसका, राखी का स्वयंवर, राखी का स्वयंवर हो रहा है, राखी ने कंडीशन रख दी कि ऐसा बंदा जिसकी सैलरी 1 लाख महीने से ज्यादा की होगी सिर्फ उसी को मैं अपना पति बनाऊंगी, तो यहाँ उसने कंडीशन रख दी कि मैं पति तो बनाऊंगी, मैं ऑफर तो दे रही हूँ मेरा पति बनने के लिए, लेकिन मैं ये ऑफर दे रही हूँ, मैं कंडीशन रख रही हूँ कि आपकी सैलरी महीने की 1 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, समझ रहे हो, तो हमारा ऑफर कंडीशनल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ अदर पार्टी, ये वही वाली एग्जांपल हो गया मोदी जी और ममता जी वाला, कि मोदी जी सिर्फ बोल रहे हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर, क्यों, क्योंकि यहाँ वो सामने वाली पार्टी की मंजूरी मांगी ही नहीं रहे, सामने वाली पार्टी से पूछ ही नहीं रहे, बस अपना गाया जा रहे हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या भैया सामने वाले से भी तो पूछो कि वो आपसे शादी करना चाहती है कि नहीं चाहती है, ठीक है, तो ऑफर हमें इस इंटेंशन के साथ देना है कि हमें सामने वाली पार्टी का एसेंट चाहिए, अगर हम मेयरली अपनी विलिंगनेस का स्टेटमेंट बता रहे हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं वैसा चाहता हूँ, तो दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। आगे बढ़ते हैं, टू क्रॉस ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन टू कॉन्ट्रैक्ट, टू क्रॉस ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मान के चलो मैंने क्या किया, ठीक है मान के चलो मैंने किसी को ऑफर दिया, मैंने किसको, मैंने आर्या को ऑफर दिया कि आर्या क्या तुम मेरे से सीएसईटी पढ़ोगे, बदले में मैं तुमसे 500 रुपए की फीस चार्ज करूंगी, ठीक है, तो मैंने आर्या को ऑफर दिया कि आर्या क्या तुम मेरे से सीएसईटी पढ़ोगे, बदले में फीस दे देना मेरे को 500 रुपए, तो यहाँ मैंने ऑफर दिया, मान के चलो मैंने उसको लेटर पोस्ट करके चिट्ठी के द्वारा ऑफर दिया और वो चिट्ठी अभी तक उसके पास पहुंची नहीं है, तो उसको पता नहीं है कि मैम ने मेरे को ये ऑफर दिया है पढ़ाने का और आर्या को मेरे से पढ़ने का था, तो आर्या ने मेरे को चिट्ठी लिख के भेज दिया कि मैम आप मुझे सीएसईटी पढ़ा दोगे क्या, मैम आप मेरे को सीएसईटी पढ़ा दोगे क्या 500 रुपए की फीस में, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, मैंने आर्या को ऑफर दिया लेकिन उस ऑफर के बारे में आर्या को नहीं पता था और आर्या ने भी मेरे को सेम ऑफर दिया, मैंने आर्या को ऑफर दिया क्या तुम मेरे से 500 रुपए में पढ़ोगे सीएसईटी और आर्या ने भी मुझे ऑफर दिया कि मैम आप मुझे पढ़ा दोगे क्या 500 रुपए में सीएसईटी, लेकिन यहाँ कोई हमारे बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये तो क्रॉस ऑफर है, मेरे ऑफर का ना उसने एक्सेप्टेंस दिया ना उसके ऑफर का मैंने एक्सेप्टेंस दिया,
ये मेरे ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने भी सेम ऑफर दिया, उसने भी सेम ऑफर दिया, इसको हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर। मैंने भी उसको वही ऑफर दिया, उसने भी मेरे को वही ऑफर दिया, लेकिन मेरे ऑफर की जानकारी उसको नहीं है, उसके ऑफर की जानकारी मेरे को नहीं है। मतलब यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा इसको। और जब दो क्रॉस ऑफर आपस में होते हैं, मतलब दो सिमिलर ऑफर, तो इस केस में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है जब तक स्पेसिफिकली उस ऑफर का अलग से एक्सेप्टेंस ना किया जाए। अगर मैंने ऑफर दिया और अगर आर्या को पता नहीं था कि मैंने ऑफर दिया, उसने मेरे को क्रॉस ऑफर कर दिया, तो ये नहीं माना जाएगा कि मेरे और आर्या के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसे हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर। आर्या ने जो बोला उसको मेरे ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो क्रॉस, दो क्रॉस ऑफर से कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। अमृते सिंह मैम पर एक्सेप्ट किए तो हाँ एक्सेप्ट किए तो हो जाएगा। आर्या को बाद में मेरा ऑफर मिला और उसने एक्सेप्ट कर दिया, उसने मेरे को मेरे ऑफर का एक्सेप्टेंस दे दिया कि हाँ मैम मैं आपसे पढ़ूंगा सीएससीटी, मैं आपको 500 फीस दे दूंगा, तो दैट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट मियरली मैंने ऑफर दिया, उसने क्रॉस ऑफर दे दिया, तो मियर दिस विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि टू क्रॉस ऑफर को हम एक्सेप्टेंस नहीं मानते हैं। उसके लिए अलग से एक्सेप्टेंस आया तो ठीक है, बट मैंने ऑफर दिया, आर्या ने क्रॉस ऑफर दिया, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा और यहाँ कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। भले हम दोनों सेम चीज चाहते हैं, मैं भी उसको पढ़ाना चाहता हूँ, वो भी पढ़ाना चाहती हूँ, वो भी मेरे से पढ़ना चाहता है, लेकिन यहाँ कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ जब तक उस ऑफर का अलग से एक्सेप्टेंस नहीं किया जाएगा। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। सिद्धि क्लियर हुआ क्या आपको कि दोबारा बताऊं? क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? अलग से एक्सेप्टेंस ये था कि मैंने आर्या को ऑफर दिया कि तुमको मेरे से सीएससीटी पढ़ने का है क्या 500 रुपए में, और आर्या को नहीं पता था, उसने मेरे को दूसरा क्रॉस ऑफर दे दिया कि मैम आप मुझे सीएससीटी पढ़ाओगे क्या 500 रुपए में, तो इसे हम एक्सेप्टेंस नहीं बोलते हैं। और यहाँ मेरे और आर्या के बीच में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि हम इसे क्रॉस ऑफर बोलते हैं। मैंने उसको ऑफर दिया, उसने मुझे सेम दूसरा ऑफर दे दिया, तो जब तक या तो मैं उसके ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं करती, मैं उसको हाँ नहीं बोलती उसके ऑफर के लिए कि हाँ आर्या मैं तुमको पढ़ा दूंगी, तब तक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। या फिर जब तक आर्या मेरे ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं देता है कि हाँ मैं आपसे पढ़ूंगा, तब तक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। समझ में आया सिद्धि? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा रूल्स गवर्निंग वैलिड ऑफर। मतलब एक वैलिड ऑफर होने के लिए ये सारे रूल्स होने चाहिए। या आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है मैडम वेदर एन ऑफर कैन बी, ऑप्शन में देगा एक्सप्रेस, implied, both of above, none of the above. तो आपका आंसर होना चाहिए both of the above. क्यों? क्योंकि आपको पता है मैडम कि एक ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और implied भी हो सकता है। समझ गए आप लोग? ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों का अलग से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टेस्ट लूंगी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टेस्ट लूंगी मैं आप लोगों का, ठीक है? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्विटेशन टू ऑफर, मैडम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अब मैडम ये इन्विटेशन टू ऑफर किस खेत की मूली है? व्हाट डू यू मीन बाय इन्विटेशन टू एन ऑफर? तो आपको मैं एक बात बता दूं मैम, इन्विटेशन टू ऑफर अलग होता है, इन्विटेशन टू ऑफर को कभी भी हम ऑफर नहीं मानते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हो सब खाने पीने, अब यहाँ बर्गर पिज्जा देख के लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा और आप लोग बोलेंगे मैम ऐसा एग्जांपल मत लिया करो खाने पीने का, तो मेरे भी मुंह में पानी आ गया वैसे, ठीक है कोई बात नहीं, हम और आप एक ही थाली के चटे बटे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सभी रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने और रेस्टोरेंट में आपको एक ऐसा मेन्यू कार्ड दिखता है। अब आप सोचोगे कि रेस्टोरेंट हमें इम्प्लाइड ऑफर दे रही है, मेन्यू कार्ड दे रही है कि जो खाना खा लो, और आपने ऑर्डर दे दिया, तो आपने रेस्टोरेंट ने जो मेन्यू दिखा करके इम्प्लाइड ऑफर दिया, आपने उसका एक्सेप्टेंस दे दिया कि सर दो चीज बर्गर, और आप बोलोगे कि रेस्टोरेंट ने ऑफर दिया, मैंने ऑर्डर देकर के एक्सेप्टेंस दे दिया, मेरे और रेस्टोरेंट वाले के बीच ना कॉन्ट्रैक्ट हो गया मैडम। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ आपके और रेस्टोरेंट वाले के बीच में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ अभी। तो रेस्टोरेंट वाला अगर ऐसा बोले कि सर एक्चुअली ना आज प्याज चीज सब खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, हम आपका ऑर्डर
कर पाएंगे, हम आपको नहीं दे पाएंगे, तो आप ऐसा बोलोगे क्या? हमारे और आपके बीच ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, इसको पूरा करो नहीं तो कोर्ट में केस कर देंगे। सर एक मिनट, यहाँ आपके और रेस्टोरेंट वाले के बीच में कोई वैलिड ऑफर हुआ नहीं, क्योंकि जो वो मेन्यू कार्ड दिखाता है ना, दैट इज नॉट ऑफर, दैट इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर। मतलब जो रेस्टोरेंट वाला मेन्यू कार्ड दिखाता है ना, वो आपको इन्वाइट करता है कि ऑफर दो, ऑफर दो। तो दिस इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर, और इनविटेशन टू ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस नहीं होता मैडम, दिस इज नॉट ऑफर। तो इनविटेशन टू ऑफर के बाद क्या आता है? ऑफर आता है, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस आता है। मतलब अगर रेस्टोरेंट वाला आपको मेन्यू कार्ड दिखा रहा है, रेस्टोरेंट वाला आपको वेटर लोग आकर के मेन्यू कार्ड दिखाए कि सर ये लो जो ऑर्डर करना है कर लो, तो वो आपको इनवाइट कर रहे हैं कि ऑफर दे दो, और जब आप ऑर्डर दोगे ना तो वो एक्स दो, तो वो ऑफर दे रहे हो आप कि सर दो चीज बर्गर, ठीक है, मैक अमेरिकन चीज, मैगी की याद आ गई होगी सबको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अभी ऑफर दे रहे हो, अब वो रेस्टोरेंट वाले के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। अगर रेस्टोरेंट वाले ने बोल दिया हाँ सर ऑर्डर बुक पैसा दे दो, तो रेस्टोरेंट वाले ने एक्सेप्ट किया, और तब आपके और रेस्टोरेंट वाले के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और अब अगर आपने पैसा दे दिया और रेस्टोरेंट ने आपको चीज बर्गर नहीं दिया, मैगी ने आपको चीज बर्गर नहीं खिलाया, तो आप मैगी के अगेंस्ट केस कर सकते हो, आप कर सकते हो। लेकिन अगर रेस्टोरेंट वाले ने मना कर दिया सर आज ना चीज खत्म हो गई है, नहीं दे पाएंगे आपको आज, हम आपको ऑफर डिनाई करते हैं, मतलब उसने एक्सेप्टेंस ही नहीं दी, तो यहाँ आप लोग के बीच में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। क्योंकि जब आप ऑर्डर दे रहे हो ना कि भैया दो चीज बर्गर, तब आप ऑफर दे रहे हो, और जो ये मेन्यू कार्ड है दिस इज जस्ट अ मियर इन्विटेशन टू ऑफर। अंजलि बोल रही है मैम आप छुट्टी कर दो, पानी आ गया, 4 मिनट बचे, रुक जाओ अंजलि, फिर चल जाना खाना खाने, मतलब बर्गर खाने, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो होता है जैसे मेन्यू कार्ड, दिस इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर, और इनविटेशन टू ऑफर के बाद कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। इसका कहने का मतलब है कि आप अगर इनविटेशन टू ऑफर आपको होता है, इनविटेशन टू ऑफर, तो उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा ऑफर, उसके बाद ऑफर होगा, और उसके बाद ही एक्सेप्टेंस हो सकता है। अगर इनविटेशन टू ऑफर के बाद ऑफर हुआ और वो ऑफर एक्सेप्ट हुआ, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और इससे आपको एक और बात समझ में आ गई होगी कि इनविटेशन टू ऑफर अलग चीज होती है और ऑफर अलग होती है। मतलब जब आपको वेटर मेन्यू दिखा रहा है तो वो ऑफर नहीं दे रहा है आपको, वो आपको इनवाइट कर रहा है ऑफर देने के लिए। ऑफर तो आप दोगे जब आप ऑर्डर करोगे दो चीज बर्गर, समझ जाए। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है कैटलॉग ऑफ फूड्स। आप एक मॉल में गए, मस्त मॉल में सारे आइटम ऐसे डिस्प्ले में लग रखे थे, सब में प्राइस टैग भी लगा हुआ था कि एक वॉशिंग मशीन 10,000 की, प्राइस टैग लगा हुआ था मस्त पूरा डिस्प्ले में, बोर्ड से जैसे आप मॉल में जाते हो कपड़े खरीदने, पूरे कपड़े ऐसे लाइन से हैंगर में पूरे टंगे होते हैं, जो खरीदना खरीदो, तो वो आपको ऑफर नहीं दे रहा है, वो आपको ऑफर नहीं दे रहा है, वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आप ऑफर दो। और आप जब वो कैटलॉग से निकाल के, मान के चलो आपको कोई ड्रेस सुंदर सी पसंद आ गई, सिद्धि को कोई बहुत सुंदर सी ड्रेस पसंद आ गई, सिद्धि ने वो ड्रेस निकाली अपने कैरी बैग में डाली और काउंटर में ले जाके अब भैया को बोली भैया मुझे ये ड्रेस खरीदना है, कितना हुआ पैसा, तब वो ऑफर दे रही है उस शोरूम वाले को कि मैं ये खरीदना चाहती हूँ आप एक्सेप्ट करो। और जब शोरूम वाला एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ठीक है मैडम आप इतने का पेमेंट कर दो, हम आपको ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, हम आपको ये ड्रेस भेज देंगे, तब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब जो कैटलॉग, जो डिस्प्ले ऑफ फूड्स होता है मॉल्स में, शोरूम्स में, दैट इज नॉट ऑफर, दैट इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर। वो आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आओ ऑफर दो, और फिर आप ऑफर देते हो, फिर उसका एक्सेप्टेंस होता है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है इनविटेशन टू ऑफर का मतलब। इसका एक और एग्जांपल है क्या, एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉलिंग टेंडर्स। गवर्नमेंट जैसे रोड बनाने के लिए टेंडर्स इनवाइट करती है कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों से, जो ठेकेदार होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनको बोलती है आप लोग टेंडर डालो, जिसका टेंडर हमें पसंद आएगा हम उसको टेंडर देंगे। तो मान के चलो गवर्नमेंट ने रोड बनाने के लिए टेंडर निकाला, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट निकाल रही है, तो दैट इज नॉट ऑफर। अब आप टेंडर दोगे तो आप ये नहीं बोल सकते गवर्नमेंट को नहीं हमारा टेंडर एक्सेप्ट ही करो, आपने ऑफर दिया हमने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम केस कर देंगे, ऐसा नहीं होता है भैया, रुक जाओ,
गवर्नमेंट ने तो जस्ट एडवर्टाइजमेंट किया कि आओ टेंडर दो, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। अब आप अगर टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ऑफर दे रहे हो, अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। अगर गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है तब दोनों के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और अगर गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया आपका, आपका टेंडर रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इसका एक और एग्जाम्पल है प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी। जब कंपनी को लोगों से पैसे इनवाइट करने का होता है तो वो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसका नाम होता है प्रोस्पेक्टस। जैसे अभी सभी को पता होगा कि थोड़े दिन पहले जोमैटो का आईपीओ आया था, जोमैटो लिस्ट हुई थी स्टॉक एक्सचेंज में, तो जोमैटो ने जैसे ही पब्लिक ऑफर लाया था, मतलब कहने का मतलब यह है कि जोमैटो पब्लिक को इन्वाइट कर रही है कि आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। तो उस केस में हम पढ़ेंगे, हमको कंपनी के बारे में जानना होगा। जैसे जब आप कोई न्यू स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आप उसको उस स्कूल के बारे में आपको जानना रहता है, तो स्कूल अपना एक प्रोस्पेक्टस देती है आपको। वैसे ही जब कोई कंपनी पब्लिक से पैसा इन्वाइट करना चाहती है तो वो एक प्रोस्पेक्टस देती है, उसमें कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है। तो अगर हम प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं मतलब ये नहीं है कि हम ऑफर दे रहे हैं, प्रोस्पेक्टस इज मेयर इन्विटेशन टू ऑफर कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऑफर दो हमें। अब अगर आप पैसे के लिए अप्लाई कर रहे हो, जोमैटो के आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप जोमैटो को ऑफर दे रहे हो और वो जोमैटो के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, चाहे तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। और अगर जोमैटो ने आपके पैसे रिजेक्ट कर दिए कि वापस ले लेने चाहिए हमें आपके पैसे, आपको अलॉटमेंट किया ही नहीं, आपके पैसे वापस कर दिए, मतलब यहाँ आपके और जोमैटो के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो आप समझ गए हैं कि इन्विटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं होता है, इनविटेशन टू ऑफर के बाद ऑफर आता है और उसके बाद एक्सेप्टेंस होता है, और इसके एग्जांपल ये सारे। तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है जिसका नाम है इनविटेशन टू ऑफर। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। कुछ बोल रहे हैं मैंने आईपीओ में अप्लाई किया था बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, जल्दी से रिटेल इन्वेस्टर्स को आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलती है, ठीक है। अमीषा बोल रही है मैम पिज्जा बहुत सस्ता है, ओके ठीक है खा लीजिएगा आप लोग। वैसे तो मेरा और पढ़ाने का मन कर रहा था लेकिन आप लोग का टाइम हो गया है, फिर आप लोग मुझे डांटोगे कि मैम यार और आप लोग को 6 बजे दूसरी क्लास भी है, तो फिर आज की क्लास ही खत्म कर देते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, प्लीज इसको रिवाइज करके आना कल की क्लास से पहले। अभी तक जो हमने पढ़ा है पूरा रिवाइज करके आना। आज हमने पढ़ा सेक्शन 10 के कुछ कंडीशंस, उसके बाद हमने पढ़ा ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या होता है, ऑफर क्या होता है और ऑफर के कुछ रूल्स, और इन्विटेशन टू ऑफर के बारे में पढ़ा। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। इतना रिवाइज करके आना, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लैप्स ऑफ ऑफर और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में। और यहाँ तक के नोट्स पूरे आप लोगों को मैंने भेज दिए हैं, तो इसको एक बार देख लेना। अगर कोई प्रिंटआउट निकलवाएगा तो इसका आप लोग प्रिंटआउट भी निकलवा सकते हैं, लिखने की मेहनत बच जाएगी। इतना एक बार प्रिंटआउट निकलवा लेना, बाकी नोट्स में भेज दूंगी तो उसके बाद में प्रिंटआउट निकलवा लेना, एक बार इतने की निकलवा लेना, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडेज क्लास। अगर किसी को मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो यूट्यूब में मैंने अपलोड दिस लेक्चर, सबको लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, और आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं इसी जोश के साथ, टेक केयर, बाय बाय। और अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो, आई विल श्योरली ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। तो इसी के साथ दिस इज इशिका अग्रवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।